और ये आलेख अपने नए फ्लैट का उद्घाटन करते हुए ये सब निकाल के ले जाने वाले। महात्मा गांधी का स्टैच्यू है वहाँ पर थे हम लोग। इधर एक बंदा कैंपिंग कर रहा है, देखो लड़कियों को वेव कर रहा है। इधर देख, इधर देख। नमस्ते फ्रॉम कोवेंट्री, मैं हूँ नेहा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी बज रहे हैं 7:30 और हम लोग जा रहे हैं घूमे घूमे करने मैनचेस्टर। यस, सो जो मौसम है ना वो बहुत अजीब सा हो रहा है। सुबह से ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है, 21 डिग्रीज हो रहा है। घर के अंदर से देखो तो ऐसा लगता है कि बहुत ठंडा है बाहर, और बाहर जाओ तो गर्मी लग रही है। तो बहुत अजीब सा मौसम हो रहा है। हम लोग अभी आए हैं तनुश्री और अनमय को भी पिक करने, सो मैं बढ़िया पीछे बैठूंगी आराम से। अलेख जब भी लगे ना नींद आ रही है तो पीछे आ जाना, ठीक है? हाँ मैं पीछे आ जाऊंगा, ठीक है? गाड़ी को गाड़ी को ऑटो मोड पे रख देंगे, क्यों? हाँ वो इश्क मूवी देखी है ना? नहीं, बस वो जब चली गई अपने मुझे। टार्जन में चलती है, टार्जन द वंडर कार में इश्क में भी वो दोनों पीछे बैठते हैं, बंदर चलाता है गाड़ी, याद है? अरे यार तूने हमारी जान बचा ली यार। याद है, याद है। और बंदर नहीं है ना अपने पास अभी, तेरे को नहीं मालूम। लगभग 3 घंटे हमें लगेंगे। हाँ डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक, मतलब यूं तो यूजुअली 2 घंटे बता रहा है, बट मैं 3 घंटे सोच के चल रही हूँ। डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक, हाँ इसीलिए हो सकता है ट्रैफिक। तो चलो चलते हैं। सो अभी हम लोग आ गए हैं और एयरबीएनबी बुक किया था हमने, सुनने गाड़ी पार्क कर दी है और पता नहीं कौन से फ्लोर पे होगा, बहुत ऊंची सी बिल्डिंग है। बहुत दिनों बाद ऊंची बिल्डिंग देख रही हूँ। पुणे में देखी थी लास्ट टाइम और लंदन में, बाकी कोवेंट्री और इधर आसपास इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नहीं है। तो आई एम एक्साइटेड। हमारा वाला है 542 और ये आलेख अपने नए फ्लैट का उद्घाटन करते हुए। चलो तो सबसे पहले है ये शुरैक मस्त वाला, और ये पूरा हॉलवे है। ये जो डोर है ये आपका स्टोर एरिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, बॉयलर, आई गेस दिस इज यस, और सारी चीज़ें। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट वाला जो डोर है वो फर्स्ट बेडरूम है। दिस इज़ द बेडरूम, और ये है अटैच बाथरूम। मस्त है, मतलब एयरबीएनबी नहीं लग ही नहीं रहा है, लिटरली ऐसे होटल वाली वाइब आ रही है, एयरबीएनबी नहीं लग रहा है। मस्त है, उधर मैं दिख रही हूँ। तो ये सामने है सेपरेट बाथरूम ये वाला, यस। और इधर फिर से मैं आया, फुल मिरर, मस्त है यहाँ पे ये। फिर हम इधर आएंगे, पहले मैं बेडरूम बताती हूँ। ये वाला बेडरूम था, अभी ये वाला बेडरूम बताती हूँ। सो इधर इन टॉयज भी रख रखे हैं। वही अभी अन में आया और बोलता है देख कितना लाइट है, मैंने उठाया इतना हैवी है ये, पता नहीं क्यों इतना हैवी रख रखा है। इधर से इनसाइड ऑफ द सोसाइटी के अंदर वाला व्यू है। अनमय वो देख कितना हल्का है वो। और ये हमारा यहाँ वाला रेडिएटर है, इसमें ये सामने से हीट करता है। इधर तक काफी हल्का है ये, नीचे इसका पंख जाते कैसा लगा मेरा मजाक? ये स्टडी टेबल मुझे बहुत अच्छा लगा, सबसे अच्छा ये, हालांकि आर्टिफिशियल है। लैंप है बढ़िया, चालू होगा क्या ये देखो, मस्त ये। अब हुई ना कुछ बात। सो मेन एरिया ये वाला है जहाँ आलेख है। यहाँ से हमने लाइट चालू की, या अभी यहाँ देखो ये लाइट चालू करने का है, कैसे? दबाओ और घुमाओ, दबाओ और घुमाओ, ऐसे लाइट चालू होती है, जैसे हमारे यहाँ पंखे के रेगुलेटर्स होते हैं। वाओ ये मस्त है। एक आर्म चेयर, ऊपर लैम्प, एक कॉफ़ी का मग और एक किताब और एक कंबल। और ये है डाइनिंग एरिया, ये है किचन एरिया। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, मैंने भी नहीं देखा अभी तक। ये क्या है? डिशवॉशर, ठीक है। ये अपना सिंक है, यहाँ पर वैसे
बता दूं एयर प्योरीफायर नहीं होते हैं, तो आपको सीधे नल में से ही पानी पीना पड़ता है, ठीक है। और ये क्लीनिंग स्टफ है, किचन की भी सारी, देखो सारा सब कुछ दे रखा है। इधर की भी लाइट होगी ना किचन की, ये अब अच्छा लग रहा है ना, लग्जरी लग रहा है। हाँ, ये देखती हूँ मैं। वाओ, प्लेट्स वगैरह भी है, मस्त है, सॉफ्ट क्लोजर है। सब कुछ है, फ्रीजर है ये, और ये हमारा ओवन है, और ये हमारा फ्रिज है, ये हमारा कॉफी मशीन है, ये उसके लिए ये भी रखा हुआ है, रोल, काली मिर्च, नमक, इवन ऑयल भी दे रखा है उन लोगों ने। और ऊपर ये देखो, मैं तो ना ये सब निकाल के ले जाने वाली हूँ, मुझे ये अच्छे लग रहे हैं। सब के सब चोर हैं साले। मजाक कर रही हूँ, नहीं ले जाऊंगी। ओ भाई साहब, मैंने ये आगे किया तो चिमनी चालू हो गई, और ये बंद किया तो बंद हो गई। और फिर बालकनी, ओ हो भाई साहब, बालकनी। और ये है मैनचेस्टर में एक अपार्टमेंट की बालकनी, बट अभी ऐसा है ना, मौसम ऐसा है कि आप बाहर निकल सकते हो, बालकनी में बैठ सकते हो। आई गेस सितंबर के बाद, अक्टूबर से तो पॉसिबल ही नहीं होगा, मतलब अप्रैल मई तक बाहर निकल के व्यू एंजॉय करना नॉट पॉसिबल, बट या बालकनी का एक अलग ही मज़ा है। सो अभी खाना खा लिया है जो लाए थे, और अभी 1:15 बज रही है, तो जल्दी जल्दी सोएंगे और सुबह उठ के पूरा मैनचेस्टर घूमेंगे। बज रहा है सुबह के 9:15, और 10:30 बजे तक ही हमको चेकआउट करना है, सो रेडी होते हैं। धूप है पर ठंडी हवा चल रही है, तो नीचे जाके पता चलेगा कि स्वेटर की ज़रूरत पड़ती है या नहीं, बट मैंने तो रख लिया था। और ये देखो बिल्डिंग के बाहर का नज़ारा, चलते हैं हम। ये यार, ये विंडो बहुत ट्रिकी है, स्लाइडिंग वाला है। अब इसे देखो, ऊपर से ऐसा है, को दबाऊंगी, फिर ऐसे करूंगी, तो यहाँ दिया हुआ सब। तो हम लोगों ने सब कर दिया है, बाय बाय घर। अभी 11:38 हो रही है, और हम लोग ने जगह तो छोड़ दी है। हाँ, लगा रही हूँ। अच्छा, हमको सिखा रही है। सो ये अभी हम सैलफर्ड एरिया में हैं, उधर हमने कार पार्क किया और अभी जा रहे हैं। ओह लुक एट दिस स्काईस्क्रैपर्स, देखो यार ये गगनचुंबी इमारतें। ऊपर ऊपर देखो, तो चलते चलते भूल ही जाते, और ऐसा लग रहा है कि आसमान के साथ चल रहे हैं। यहाँ पर देखो ये स्कूटर्स मिलते हैं, पे करो और बस ले जाओ, घुमाने के लिए कुछ पर्टिकुलर चार्जेस रहते हैं। चंपू दिख रही होंगी, बट यहाँ पे जैसे हवा चलती है ना, उस हिसाब से ऐसे ही बाल रखने पड़ते, खुले बाल तो रख ही नहीं सकते। सो यार इधर चलते चलते आए, पर ये तो नदी आ गई, अब पता नहीं नदी की नाला है जो भी है। और बहुत सारे ब्रिजेस बने हुए हैं ऐसे शहर के बीच में से जो ये नदी जा रही है, वैन की वजह से आगे दिख नहीं रहा, देखो ब्रिज मस्त लग रहा है। तो ये मैनचेस्टर कैथीड्रल है, कुछ इंटरेस्टिंग दिखा, यहाँ पर महात्मा गांधी का स्टैच्यू है। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, प्राउड ऑफ यू इंडिया।
यार अभी मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्रैम देखी, ऐसे रोड पे चल रही थी, दूर से देखी, बट नाउ आई एम एक्साइटेड कि मुझे उसमें जाना है। तो अभी हम लोग आई गेस पिकाडिली गार्डन जा रहे हैं। ये देखो ये ट्रैम की पटरियाँ इस पर चल रही है दोनों तरफ, ये देखो इधर भी है। और क्या आर्किटेक्चर है यार, मस्त मस्त बिल्डिंग्स है, बहुत प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स है। तो जैसे कि हम पहले लेक डिस्ट्रिक्ट गए थे, वैसे ही हम लोग अभी पीक डिस्ट्रिक्ट में हैं। लेक डिस्ट्रिक्ट के व्लॉग्स सारे चैनल पे हैं, जाके देखना, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। सो अभी हम लोग पीक डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो हम लोग सोचे थे थोड़ा सीनरी और नेचर देखते हैं। अभी थोड़ा शहर थोड़ा बहुत घूम लिया, हो गया। अभी हम लोग मैनचेस्टर से बाहर आ गए और इधर ऐसे पहाड़ वहाड़ चालू हो गए। अभी इस तरफ से ना लेक चालू हुआ है, पूरा लंबा सा है, देखो ऐसा कोई भी व्यू नहीं आया इधर से, इतना बढ़िया व्यू है नदी का। तो कॉटेज कितना प्यारा लग रहा है ऊपर, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ड्राइव करके पहाड़ों में अच्छा लग रहा है, धूप बहुत तेज है तो छेड़ रहा है। हालांकि है ये 21-22 डिग्री बट सन यहाँ पे ना छेड़ता है। तो अभी उधर आगे जैसे कि वो ब्रिज पे मैंने बताया था ना, साइड साइड में दिख नहीं रहा है, तो अभी पैदल जाके देखेंगे। हम लोग इधर आए हैं, इस तरफ तो कितना प्यारा है वो नीचे यार। डिटेल्स ये रही लेडी बोअर रिजर्वायर, तरफ देखो ये रहा स्पिलवे। और ये इसलिए होता है क्योंकि अगर ये लेवल वहां तक आया तो ये इसके ऊपर ये लेवल कंट्रोल करने के लिए, फिर वो सारा पानी जो है ना उसके अंदर बह के चले जाएगा, तो लेवल मैक्सिमम इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। बट पानी का लेवल नीचे तो हमें दिखेगा नहीं है, हमें अभी कुछ दिखा। खुद कैसे कर रहे हैं ना लोग उस पहाड़ी पे रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, करो दोरी। हाँ खुद से कर रहे हैं लोग, क्या होता है बिले बिले मतलब एक बंदा नीचे से एक सेफ्टी कैराबिनर लगा के रहता है, अगर आप इनके फॉल हो गए ना तो वो रोप होल्ड कर लेगा और आप हवा में लटक जाओगे, पूरे जमीन तक नहीं आओगे। सो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना वो रस्सी छोड़ता जाता है यहाँ से। और अभी हम लोग उधर से निकल के एक पीक पे जाने वाले हैं, इस तरफ देखो राइट में क्या व्यू है, क्या व्यू है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखा कर क्या साबित करना चाहता है तू? यार देखो यहाँ कार पार्क की है और व्यू देखो, हालांकि उधर से सन आ रहा है बट इधर का देखो। हमें अब ऐसे जाना पड़ेगा, चलो अभी उतना जाना है। इसे, 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 इसे। सो मैं ना जैकेट लेके आई थी, मुझे पता था ठंडा लगने वाला है, मॉस फॉर्स की जैसे मैंने देखा था ना, इसके लिए थोड़ा ऊपर आए हैं। वो पॉइंट थोड़ा आगे है, बताते हैं। देखो वहाँ से देखा था वो वाला पॉइंट जहाँ से वो रिजर्वायर दिख रहा था, बट अभी मैं इस पॉइंट पर बैठ रही हूँ और ये कुछ नज़ारा है। आई डोंट नो हवा चल रही है ना तो माइक में इतनी आवाज़ आ रही होगी या नहीं। हाउ दे आर डूइंग इट यार, मुझे तो जाने में डर लग रहा है, बट आई नो इधर कुछ होगा, ये चट्टान ऐसी नहीं होगी। उधर एक बंदा कैंपिंग कर रहा है, देखो टेंट वेंट लगा लिया है। और देखो वो बंदे जो क्लाइंब कर रहे थे उधर से चढ़ चुके हैं इधर, बढ़िया है। वो देखो उधर ब्रिज पे हम लोग खड़े हुए थे, वहाँ पर थे हम लोग,
बढ़िया है। मैं फिर से मैं हो गई हूँ। अभी चलते हैं जल्दी जल्दी, है ना। हमें तनुश्री उधर ही है, हमारी कार भी नीचे आएगी। 15-20 मिनट तो लगेंगे हमें नीचे जाने में। हाँ, तो हम लोग नीचे आ चुके हैं और देखो इस रास्ते से ऊपर गए थे और पहाड़ी के उस तरफ गए थे, उस तरफ। और अच्छा था ये वाला पैच, ऊंचा था, बाकी तो ठीक था, बाकी ऊपर तो चलना ही था। और बड़ा मज़ा आया। अभी सूरज को बादलों ने घेर लिया है, अच्छा वाइब आ रहा है बड़े दिनों बाद। वाओ, गोल्डन आवर गाइजो। आलेख के मन में तो लड्डू फूटा है बेटा, मन में लड्डू फूटा। लड़कियों को वेव कर रहा है ये, इधर देख, इधर देख, इधर देख। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। और बस यही खत्म होता है दिन। अभी 1-1.5 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे कोवेंट्री। और कैसा लगा वीडियो बताना। मुझे सबसे अच्छा पार्ट जब हम वो हिल पे चढ़े ना यार, बड़ा मजा आया। उधर से निकले भी तो मस्त मस्त ह्यूज थे, और उस पॉइंट पे पहुंच के जो व्यू मिला है रिजर्वायर का वो तो अमेजिंग था। इसी तरह के ना हम लोग जब लेक डिस्ट्रिक्ट गए थे ना, वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे व्यूज आए थे, जिसके मैंने 3-4 वीडियोस बनाए हैं और प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है चैनल पे, तो प्लीज जाके देखना, लेक डिस्ट्रिक्ट करके प्लेलिस्ट है। और ये वीडियो कैसा लगा बताना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।